ओके देवदास कुंडू, डेली शेलकैल एचडी टैब खा सकता हूँ क्या? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 500 एमजी एंड विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट है। ओके देवदास कुंडू जी, आप अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। लेकिन सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर या फिर अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पर डेफिनेटली कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि कैल्शियम की टैबलेट लेने से मुझे ताकत आ जाएगी या फिर मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, कैल्शियम अगर ओवरडोज अगर आपकी बॉडी में हो जाता है तो उसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपके बोन्स में ऑस्टियोफाइट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी अचानक से जॉइंट में पेन्स होने लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपको सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। एक बार आपका सेरम कैल्शियम लेवल्स चेक कर लीजिए, वो ब्लड टेस्ट का नाम ही है सेरम कैल्शियम, तो वो एक बार कर लीजिए। उसके हिसाब से जो डोज होता है वो टाइट्रेट किया जाता है और पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया है तो आई एम श्योर कुछ सोच समझ के रिकमेंड किया होगा, आपके कैल्शियम के लेवल्स को देख कर ही रिकमेंड किया होगा। तो आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी प्रॉब्लम। आप कैल्शियम की टैबलेट हर रोज़ ले सकते हो, लेकिन कैल्शियम की टैबलेट को आपको एवरी 3 to 4 months आप ले सकते हो। 3 से 4 महीने के बाद अगर आप रेगुलरली ले रहे हो, 3 से 4 महीने के बाद आपको 1 महीने का गैप रखना है, फिर से आप 3-4 months के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। एकदम कंटिन्यूसली 2-3 साल तक मत लीजिए। ओके इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।